गणपति भने खेलै छियौ पार्वती को रामे गणपति पार्वती को रामे गणपति भने खेलै छियौ गणपति भने खेलै छियौ पार्वती को रामे गणपति भने खेलै छियौ गणपति भने खेलै छियौ नमस्कार प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप और आज बिहार तक स्टूडियो से निकलकर सीधे जहां पहुंच गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पीछे आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं ये दरवाज़ा है मैथिली ठाकुर के घर का और हम पहुंच गए हैं मैथिली ठाकुर के घर। मैथिली ठाकुर के बारे में बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। बिहार के सारे दर्शक या तमाम जो अन्य प्रदेश में भी हमारे दर्शक हैं वो अगर सुनेंगे मैथिली का नाम तो मुझे ताज्जुब नहीं होगी, वो मैथिली के बारे में बेशक जानते होंगे। तो हम सीधा मैथिली के घर आज पहुंचेंगे, मैथिली से बातें करेंगे। उनके अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है 21 साल की लगभग वो हो चुकी हैं और इन 21 सालों में वो कहां से कहां तक पहुंची, घर उनका बदल गया, नए घर में वो आ चुकी हैं, उनके माता पिता उनके साथ हैं, उनके भाई जो अब मैथिली के साथ ही साथ गाना बजाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके बारे में उन जानेंगे। और सबसे पहले हम आपको सीधा मैथिली के घर लिए चलते हैं। तो मिले आप मैथिली से, मैथिली से मैं आपको बता दूं कि मैथिली और मेरी बातचीत लगभग अप्रैल से हो रही थी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और जब मैं अंकल से भी मिली हूँ तब आपको बता दूं कि जब बिहार तक की शुरुआत हुई थी लगभग 3 साल होने वाले हैं और शुरुआत जब हुई तो मैथिली वो वहाँ उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू बिहार तक को उस वक्त दिया था। और अब 3 साल होने वाले हैं और फिर हम मैथिली के घर पहुँच गए हैं, पूरी बातचीत होगी। सबसे पहले पूरे परिवार से मिलते हैं। मैथिली को आप जानते हैं, ऋषभ को भी जानते होंगे, अयाची को भी जानते होंगे, ये मैथिली के पिता हैं और ये मैथिली की माँ है। अपने अपने जगह बैठ जाते हैं क्योंकि बात तो लंबी होगी और सब अपने अपने जगह बैठ जाते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी से बात करते हैं। मैं मैथिली पर बाद में आऊँगी क्योंकि मैथिली ने कई लोगों को इंटरव्यू दिया है, मतलब मैं सुन सुन कर मैं जिस चैनल का नाम लूँ उस चैनल पर मैथिली का इंटरव्यू दर्ज है। मैं सबसे पहले उनके पिता और उनकी माँ से बात करना चाहूँगी, तो क्योंकि जो बच्चे आज हैं वो आपकी बदौलत हैं, कैसा लगता है आज देखकर? बहुत अच्छा लगता है। जब मिथिला से यहाँ आई आप पहली बार दिल्ली और एडजस्ट होने में दिक्कत हुई, बच्चों को लेकर आई थी या बच्चों के बिना पहले आई? नहीं, पहले तो अकेले आई थी इनके साथ, फिर ये लोग दिल्ली में ही हुए हैं। अच्छा। फिर शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था लेकिन सब धीरे धीरे सब मैनेज हो गया। इन तीनों में सबसे शैतान कौन है? मतलब व्लॉग्स के थ्रू तो अयाची नजर आते हैं लेकिन घर में वही है, वास्तविक भी वही है। हाँ, वास्तविक भी वही है। सबसे ज्यादा परेशान आपको अयाची करता? हाँ, परेशान नहीं मतलब एक नटखट है, नटखट है। हाँ, बात सारी मानता है थोड़ा बहुत। बच्चे तो हैं आपके सारे बात मानने वाले हैं, जो भी नज़र आता है वो लगता है कि बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है बच्चों को। हाँ, बस जैसे देख रहे हैं वास्तविक वैसे ही हैं सब। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। हाँ, नहीं ऐसा क्यों? बस ये थोड़ा जब कोई भी सामने से आ जाते हैं जो हमें जानते होते हैं उनके सामने अगर मैं शैतानी कर दूंगा तो मेरे मन में आता वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है, तो मैं अपने घर में रहता हूँ, कोई नहीं रहता है, तब तो पूरा होती है। तो जब ब्लॉग्स बनाते हैं याची तब तो आपको लाखों लोग देख रहे होते हैं, तब कोई हिचक नहीं होती है, तब आप खूब जमकर शैतानी करते हैं? और तब ना लोग को पता भी होता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ, देखना चाहते हैं आपको। बिल्कुल। आंटी ये बताइए कि मैथिली जब शुरुआत की गाना का और उनके पिता उनको सिखाते थे तो क्या आपने सोचा था कि मैथिली को इसी राह पर आगे बढ़ाना है, तब ऐसा कुछ था, प्लानिंग पहले से थी या फिर सडन लगा कि नहीं इसका इंटरेस्ट इसमें है, काफ़ी अच्छा कर सकती है? ये पढ़ने में भी बहुत तेज हैं और गाना में भी इसको रुचि देखें। हाँ। और इसको ये देखें जो घर में तो सब कुछ मतलब है ही, हारमोनियम तबला ये सब है ही, तो इसको इंटरेस्ट मतलब इन तीनों में इसको ज़्यादा देखें। अच्छा। तो ये उसमें भी अच्छी करती थी और पढ़ाई में भी था, तो यही था जो जिस चीज़ में ये थोड़ा आगे हम देखते हैं बढ़ते हुए उसी चीज़ में इसको आगे करेंगे। तो ये म्यूजिक बहुत अच्छा कर रही थी और पढ़ाई में भी अच्छी है।
ये बताइए कि इन बच्चों में किसकी क्या पसंद है, मतलब कौन क्या पसंद करता है, और इनका ख्याल आप कैसे रखती हैं, क्योंकि गाना गाते हैं तो गले वले का ख्याल, कुछ अलग एक्स्ट्रा ख्याल रखती हैं आप? नहीं, शुरुआत में रखती थी तो जितना मतलब हर एक चीज़ों से रोकती थी, तो अचानक वो चीज़ यूज करने से सर्दी जुकाम हो जाता था। अच्छा। इसीलिए मैं बराबर रखी हर एक सीजन में, जो मन हो जैसे हो, ताकि मैनेज शरीर कर सके। तो कुछ भी अब मैं उन्हें रोक टोक नहीं करती हूँ, ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो। और अब तो खुद समझदार हो गए सब, तो सब अपना मैनेज खुद ही रखते हैं, साथ साथ सब आदमी मिल कर के रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इनकी डेली रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं? हमारे घर का रूटीन थोड़ा और घर से उल्टा है। उठना, यदि ना उठाओ तब तो बहुत लेट उठेंगे। 10 बजे से उठाना मैं शुरू कर देती हूँ। मैं खुद भी 10 बजे ही उठती हूँ, तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये चेंज कब हुआ? मतलब मुझे तो लगता है कि बिहार में लोग सुबह ही उठ जाते हैं, और गांव-गांव में हम लोग तो 6 बजे अभी भी जाते हैं, जब हम लोग गांव तो 6 बजे नींद खुल जाती है, जबकि आदत यहां पर रात भर जगने की है। उसके बावजूद तो मैं भी अभी यदि गांव जाऊं तो 6 बजे अपने आप ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है। एक सदमा सा मन में होता है, जो लोग क्या बोलेंगे, और अपने आप ये ईश्वर का देन है, अपने आप आँख खुल जाता है। और यहाँ पर कुछ भी हो तो 10 बजे ही आँख खुलता है। क्योंकि मम्मी ये नहीं बता रही, हम लोग रात भर जाग जा के अपना सारा काम कम्प्लीट कर रहे होते हैं। बताने वाली थी, अब बताने वाली थी, ये लोग सुबह तक काम करते हैं, रात भर जगते हैं, तो इसीलिए फिर ये लोग जगे होते हैं, तो ऑटोमेटिक मैं भी बेड पे जगी ही रहती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद 10 बजे उठती हूँ। और इन लोगों को क्या रहा है? तो हम लोग 4:30-4:30 बजे सुबह तक हम लोग का सब काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम अपना काम खुद ही करते हैं, एडिटिंग करना, ये ब्लॉग गाना, ये जो कुछ भी है खुद ही एडिटिंग करते हैं, तो इसमें काफी वक्त लग जाता है। अच्छा, बाकी माओं से आपकी बातें तो बिल्कुल अलग होती होंगी, क्योंकि आप अपनी हम उम्र जितनी महिलाओं के साथ बैठती होंगी, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, बच्चे क्या करेंगे आगे करियर में, सोता लेट से है, कोई पढ़ाई नहीं करता है, आपके पास क्या शिकायतें रह गई होंगी? आपके बच्चे तो बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गए हैं इतनी कम उम्र में। कभी भी कोई चीजों का टेंशन नहीं ली, पता नहीं, मेरे को यकीन था जो ये लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही, क्योंकि हम इनका जो विचारधारा है, मैं इनके साथ ही हमेशा खड़ी हूँ। ये जैसे हमको बताते हैं, लेकिन जब कभी भी बताते हैं वहाँ ये तीनों नहीं होती है। अच्छा। फिर मैं अपना वो दिखाती हूँ, वैसा मैं करती हूँ उन लोगों के साथ। वैसे तो मजाक है ये, वैसे तेरा मुंह देखने लगता ही नहीं है कि तू तो अच्छे पढ़ाई करेगा, ठीक है? अच्छा। इसलिए बोलती है म्यूजिक जितना जो करना है म्यूजिक में करो, पढ़ाई के लिए हम है। तो अभी पढ़ाई एकदम अच्छी से जा रही है, वैसे ज्यादा टाइम मेरा म्यूजिक में जाता है, ज्यादा टाइम। ये क्लियर हो गया है मतलब तीनों का कि पढ़ाई तो चलना चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि गाना प्राइमरी चीज है ना मैथिली? हाँ, मेरा मतलब दोनों साइड ही फोकस रहता है हमेशा। दबाव कोई किसी को कोई चीजों में नहीं है, जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम वही चीज अच्छे से। तो आपसे टिप्स भी लेने आती है महिलाएं कि बच्चों को कैसे आपने परवरिश दी है, हमें थोड़ा बताइए। हम लोग किसी अदर पर्सन से जल्दी बात नहीं करते, जरूरत नहीं होती उस बात करने की, टाइम नहीं होता। हम लोग हमेशा घर के अंदर ही रहें, बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें, और घर में ही जो सीखना है, खेलना है, कूदना है, जितना कम स्पेस है। तो जहाँ शो में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड सब होते हैं जो आसपास किसी को आने नहीं देते, तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लोग वापस गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। मुझे भी ऐसा याद नहीं कि मेरी कोई दोस्त है या फिर हनी का कोई दोस्त है या सनी का कोई दोस्त है। मैं उस पे आने वाली थी कि पहले अंकल से बात कर लूँ, फिर मैथिली मैं तुमसे बात करूँगी। अंकल की तरफ मैं उधर ही चली जाती हूँ ताकि बेहतर तरीके से अंकल मुझसे बात कर सके। तो अभी हमारे साथ मैथिली के पिता भी हैं, माँ से बात हो गई। इनके पिता के बारे में क्या कहूँ, मल्टी टैलेंटेड इंसान है, जितने टैलेंटेड इनके बच्चे हैं उससे कई गुना ज़्यादा खुद अंकल टैलेंटेड हैं। टीचर रहे हैं, गायक भी हैं, सब कुछ। शिक्षा जो है बच्चों को गाने की प्राइमरी शिक्षा आपने ही दी है पूरा अभी तक। अभी तक किसी और टीचर को कभी मतलब थमाया ही नहीं कि आगे की ओर? और मतलब आपको क्या लगता है कि आपका करियर इससे बन सकता था, वो नहीं बन पाया, आज बच्चे बना रहे हैं, तो कैसा लगता है? नहीं, हमारा वो प्लान तो हमने जब ये 2-3 साल की थी, जब लगा कि गा सकती है, तभी हमने प्लान कर लिया था कि अब जहाँ तक जाएगी, लेकिन करना तो यही है, करना यही है। तो उस वक्त अंकल ये कभी डर लगा कि मैंने पहले से प्लान कर लिया है, सडनली बच्ची जब स्कूल जाए, कॉलेज जाए, इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कुछ और करना चाहे, और मैं दबाव बनाऊं कि नहीं बेटा तुम्हें इसी डायरेक्शन में जाना है, तो फिर कहीं नाराज़ ना हो जाए, या कहीं वो नाराज़गी या निराशा ना हो जाए कि मैं करना तो ये चाहती थी जीवन में,
लेकिन ये करना पड़ा पापा की वजह से। मैं 6-7 साल की भी तब तक मैंने इतना सिखा दिया था ना कि अब इसमें रंग लग चुका था म्यूजिक का इसका, अब दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती थी। ऐसा सिचुएशन ही था जो मतलब ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं जो ऐसा ये मतलब वक्त आए जो ऐसे करे आया ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या बताएं। तो अभी भी मतलब तीनों की चॉइस यही है कि इसी लाइन में जाना है। ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं जो बच्चा का दबाव, चाहे बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का दबाव, ऐसा नहीं आया। तो आप कब बिहार छोड़कर दिल्ली की तरफ रुके? 30 साल हो गए, 95 में हम आए थे। अच्छा, क्या कारण रहा था? वहाँ देखा कि कोई तो कोई जॉब तॉब का नहीं था कुछ, तो हम सोचे जो कुछ तो करना चाहिए, तो यहाँ करके मैंने वो क्लासेज लेना शुरू कर दिया। जॉब करने का इंटरेस्ट पहले से भी नहीं था हमको, तो हमने सिखाना शुरू कर दिया। तो सिखाते सिखाते इसको भी ले जाते थे, तो जितने बिहार यूपी कैडर के जितने IAS IPS उनके घर में जाते थे सिखाने के लिए, हम इसको भी ले जाते थे। तो इसको थोड़ा मन था कि हम IAS बनूँ। वो लोग बताते थे कि वो लोग पढ़ाती भी थी। अच्छा। उनकी वाइफ इनको IAS सब इनको बताते थे कि तुम इसकी तैयारी करो, तो हम भी लगे थे कि अच्छा से इसको पढ़ाई लिखाई अच्छे को स्कूल में एडमिशन कराया, और लगे थे कि अगर यदि इसका मूड होगा वैसा तो अपना करेगी। तब तक ये जो है ना, ये जब 11 साल की थी तो लिटिल चैंप में गई, फिर इंडियन आइडल में गई, फिर राइजिंग स्टार में जाके जीतने वाली थी, जीत ही गई थी। तो फिर हो गया कि अब हमको शायद यही करना है। तो सब जगह मैथिली को ले जाने वाले इनके पिता ही थे, साथ साथ लाइन में लगना, नारियल पानी ला के देना, जैसे कि मैथिली हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करती है। वो सब हमको पहले से पता था, लोगों को खड़े होकर लाइन में लगना और इसको साइड में बैठाना ताकि गाना है बच्चे थके ना लाइन में, तो ये खुद खड़े होते थे। हम अपना एम वही बना लिए थे कि हम तो जो नहीं कर पाए सो म्यूजिक में अब इससे कर पाएंगे। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि एक अंदर की ख्वाहिश थी कि कभी मैं भी उस जगह पे हो सकता था। कि मैंने वो सीख करके गलत लाइन पकड़ ली, टीचिंग पकड़ लिया था। टीचिंग में क्या है कि आप एक रूम में बंद हो जाते हैं, बाहर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम कहा कि तुम टीचर मत बनो, तुम परफॉर्मर बनो। उसके लिए हमने इसका अलग से ट्रेनिंग किया उस चीज़ का। अब उसको 6-7 साल की थी तब से इसको मंच पर ले जाना शुरू कर दिया था। अच्छा। ताकि इसका जो है थोड़ा सा धाग जो है खुल जाए, डर मिट जाए, इसका माइक पर करने आ जाए सब। तो हमने जितना जितना सोचा, जितना सोच पाया, सब इम्प्लीमेंट करते जाते थे। मतलब जितनी आपकी अपेक्षाएं थी उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आगे निकल गए। हाँ, वो जितना सोचा था उससे कहीं आगे निकल गए लोग। अब ये निकल गई तो उसके पीछे पीछे ये दोनों भी लग गए, हेल्प करने लगे तबला, क्योंकि ये तबला बजाने लगे साथ साथ, वो साथ साथ कोरस करने लगा। तो हम पहले अकेले लड़ रहे थे, अब हम 4-5 आदमी मिल करके समस्या से लड़ रहे थे। तो आसान होता गया लाइफ। तो जब ये राइजिंग स्टार का वो प्लेटफॉर्म छूटा, उसके बाद मैथिली ने एक अलग लाइन पकड़ी कि नहीं, मैं बॉलीवुड वगैरह नहीं करूँगी, जो आम लोग करते हैं, जो आम बच्चे निकलते हैं वो बॉलीवुड की तरफ भागते हैं। मैथिली ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोक गीत वगैरह वगैरह जो भी तमाम चीज़ें हैं, हमारे कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, ये वाला ख्याल कैसे आया? वहाँ हम 6 महीना रहे थे राइजिंग स्टार में, तो हमको लग गया था कि यहाँ बिहारियों की थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर दबाया जाता है। तो हमने कहा कि चलो तुम ये, हम मुंबई वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, हम दिल्ली में बैठ करके कुछ करेंगे। हमने बॉलीवुड की तरफ इसको रुझान को कम कर दिया, हम इधर लोकगीत में आ गए थे। तो ये जो ख्याल है बिहारी अस्मिता को चोट करने वाली, जब भी मतलब मैं भी देखती हूँ कि हमारे घर में अगर कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो एक तो हमारे पास स्कोप भी नहीं है, वहाँ लिटिल चैम्प्स या सारेगामा पा के लोग आई डोंट थिंक ऑडिशन लेने आते, अब आते होंगे, उस वक्त तो आते भी नहीं थे बिहार जैसे प्रदेश में। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि कम करके देखा जाता है बिहारियों को। तो यहाँ राइजिंग स्टार में तो जीतते जीतते हरा दिया था जबरदस्ती, हमको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हमने सोच लिया कि अभी इधर मूव करने से अच्छा है कि बार बार हमको यहाँ पर सेक्रीफाई करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि कुछ अपना गरीबी तो सारा देख ही चुके थे, इससे ज़्यादा क्या गरीब होते, गरीब थे ही। तो सोचा जो कि जो भी होगा अपने बल पर करेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा अपने से कोई मलाल नहीं होगा। तो और आज ऐसी मतलब आपने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग ही उठकर देख रहे हैं आप लोगों की तरफ। तो जो है सो हम लोग 5 मिलकर कर रहे हैं, ये नहीं कि इसमें हमारा ही योगदान है, सबका बड़ा टीम वर्क है, टीम वर्क है ये। ये कोई कहते कि मैं सारा कुछ कर दिया, मैं तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। सब मिलकर उस चीज़ को हम लोग एक प्लान करते हैं रात में, उसको हम लोग रात भर 3-4 बजे तक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम उसको करते हैं। हम लोग दिन में आराम से 12-1 बजे तक सोते हैं, कोई हमको टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए
बच्चा लेट नहीं उठता, बच्चे के पेरेंट्स भी लेट हाँ, इसीलिए मैं यहाँ नहीं डांट सकती बच्चों को। क्या है कि कोई ये टोकने वाला नहीं है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम रात में निपटा देते हैं। तो एक और सवाल ये है अंकल कि जब आपने सभी बच्चों को रास्ता दिखा दिया तो आपकी गांव, आपका गांव जो पीछे छूटा, आप जाते भी होंगे छुट्टियों में तो वहाँ कई दफ़े मैंने देखा है कि आप लोग जाते भी हैं, वहाँ से क्या रिएक्शन आता है, आपके माता पिता क्या सोचते हैं? वहाँ तो ऐसे ही, वहाँ तो हम लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं वहाँ क्या पता है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो वो लोग जो सुनते हैं टीवी में सुनते हैं, तो हम लोग जाते हैं नॉर्मली ऐसे होता है, कुछ लोग वहाँ बोलते भी नहीं। तो नहीं मतलब मैं पूछ रही थी कि इन लोगों की मतलब इन लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं ये देखते हुए दादा दादी जो हैं मैथिली के वो कैसा महसूस करते हैं? वो सब तो बड़े खुश हैं, वो बड़े खुश हैं। अब वैसे भी हम लोग मधुबनी दरभंगा जाते हैं तो मधुबनी के डीएम से बड़े हमको आभार भगत करते हैं, हम लोग सर्किट हाउस में जाकर रुकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पटना में जाते हैं तो हम लोग बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, लोग सब हमको मिलने आते हैं, लेकिन हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, हम लोग अपने जितने नॉर्मल लाइफ में हैं कोई है मतलब सब है ठीक है, इसको उस बात को माइंड में नहीं बिठाते हैं कि तुम तुम्हारा इतना स्टार हो ये करो किसी से मत मिलो, किसी से बात मत करो, ऐसे नहीं। तब है थोड़ा सेफ्टी देखना पड़ता है कि पहले एक छोटे से घर में उधर था, वो भी अपना था, तो वहाँ कोई भी आ जाता था, वहाँ ओपन था। अच्छा। तो सोचा थोड़ा सा सोसाइटी में आ जाते हैं ताकि जो भी आएगा पूछ करके आएगा किसको बुलाना नहीं बुलाना, तो अब थोड़ा एक साल से ये सब करते हैं कि ताकि थोड़ा सुरक्षित रहो, जान बचेगा तो कुछ और करेंगे। डिसिप्लिन काफी ज्यादा है बच्चों में, तो ये कौन मेंटेन करता है? आदत हो गई हम लोग ऐसे, क्योंकि 500 हम लोग साथ ही रहते हैं, सब काम साथ साथ करते हैं, तो उसमें बाहरी लोगों से हमारा अटैचमेंट नहीं है, जो कुछ सीखेगा बाहर का चीज ऐसे ऐसे बोलेगा, हमने जो कहा सब, हमने जो बोल दिया सब आंख बंद करके सबको मानना है, बस इतनी बात है। पापा की बात आखिरी लगी है, आखिरी लगी है, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। कभी ऐसा विद्रोह जैसा रूप देखा है आपने मैथिली वगैरह का कि नहीं पापा ये बात आपकी गलत है? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि अगर यदि वोटिंग यदि ज्यादा उधर हो गया तो हम फिर अपनी बात को वापस ले लेते हैं, तो लेकिन हम पीछे खड़े रहते हैं कि कुछ गड़बड़ी होगा तो हम ठीक करते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो हम करने देते हैं। आपकी जेब सबसे ज्यादा डीली कौन करते हैं इन तीनों में? देखो एटीएम उसके पास रहता है और ऑर्डर ये चलाती है। अच्छा। ठीक है, देखता रहता है। ये वो हमारा वित्त मंत्री है, ये प्लानिंग कमीशन है हमारा। अच्छा। प्लान बनाती है। ठीक है, हम दोनों तो बस अपना काम करते हैं जो काम है। सपोर्ट करती रहती हूँ, हाँ बेटा यहाँ डन कर दे। पापा बोलेंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, तू डन कर दे, मैं आगे देख लूँगी। चलिए फिर अब अंकल आंटी से और भी बात करेंगे, मैथिली से बात करते हैं और ऋषभ भी हैं हमारे साथ, ऋषभ से भी बात करेंगे। मैथिली ये बताइए कि बचपन की बात तो कई लोग जानते हैं, आपके आपका बचपन कैसे बीता? बचपन से ही आप गाना गाती हैं, सीख रही थी, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में स्कूल आई, स्कूल का कैसा माहौल था? आप कई दफ़े ये कह चुकी हैं कि जो अंकल भी कह रहे थे कि बिहारियों को लेकर जो सोच होती है, क्योंकि हमारा चैनल भी बिहार तक है और बिहार की बातें हम करेंगे, कि जब बिहार से कोई दिल्ली आता है, मैं जब आई 2017 में मैं आई थी दिल्ली, मुझे भी एडजस्ट होने में दिक्कत हुई, वो हम और मैं वाला वो कब आया, कब मतलब हम से मैं में शिफ्ट हुई मैथिली? क्या बताऊँ, मैं शुरुआत में मेरा स्कूल में आना जाना नहीं हुआ अभी, तो जब देखे कि सब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद मैंने डायरेक्टली फिफ्थ और सिक्स में एडमिशन लिया, फिफ्थ में, उसके बाद सिक्स में एडमिशन लिया, मैंने मेरी पढ़ाई छठी से नॉर्मली शुरू हुई। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें था, उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता था समझ में, उस समय बिल्कुल ब्लैंक होती थी, कोई जब टीचर पढ़ा रहे होते थे या फिर बच्चे जब आपस में मुझसे कुछ, क्योंकि वो जब समझते थे ना कि मैं बिहार से, तो जानबूझ के मुझसे बोले इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे कि मैं क्या जवाब दूँ, तो मैं बहुत ब्लैंक होती थी। और मुझे एक बार एक चीज़ याद है कि मैम मुझसे पूछी कि बेटा तुम्हारी बुक किधर है, तो मैंने ये बोला मैम मैं खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है, मैंने ये वर्ड जो बोला तो सब पूरी क्लास हंसने लगी कि क्या बोल दिया इसने। तो बाद में मुझे पता चला कि इधर खोजना नहीं बोलते, इधर ढूंढना बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद मैम हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे को नहीं, मैम मैं नहीं आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली उसके बाद, ताकि मुझे औरों के साथ क्लैश ना हो, उनके सामने मेरी हंसी ना उड़े, तो मैंने अपने आप को सुधारना शुरू किया, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई अच्छे से शुरू की, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली सबके सामने खड़ी रहूं। स्कूल में जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती थी तो घर पर आके मम्मी से बताती थी?
मम्मी को बताती थी, पापा के सामने रोती थी कि आज ये हुआ ये हुआ, तो रोने के बाद पापा शांत कराते थे कि आज के बाद ऐसे नहीं करना, उसके बाद जो बोलते हैं वो सब पागल है, उनको बोलने दो, तुम अपना काम करो। अच्छा, आज फिर जब कॉलेज आई स्कूल के बाद, स्कूल का स्ट्रगल तो मतलब तब तक मैथिली तैयार हो गई होगी, दिल्ली वाले कल्चर में थोड़ा बहुत तो मिक्स हो गई होगी मैथिली, है ना, तब एडजस्ट हो गई आप। कॉलेज आई तो कॉलेज की लाइफ मैथिली की हैपनिंग नहीं लगती, ऐसा क्यों? नहीं, कॉलेज में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब सारे प्रोफेसर, सारे मेरे फ्रेंड्स, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस बीच में हम लोग के प्रोग्राम्स ज़्यादा हो गए, पहले हम लोग नहीं जाते थे बाहर, लेकिन जब से रियलिटी शोज़ वगैरह से बाहर आई हूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग इन्वाइट करते हैं, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर हम लोग जाते हैं, तो वो जो छूट जाता है पढ़ाई, तो सब लोग मुझे हेल्प करते हैं और मेरा काम पूरा करवा देते हैं, और ऐसे में ही मेरा बहुत सब कुछ प्रॉपर होता है। पढ़ाई लिखाई से इतर कॉलेज में जब हम जाते हैं ना, तो थोड़ा एक्सपोज होते हैं बाहरी दुनिया से, ठीक है, जब माँ बाप छूटे, जब हम दिल्ली आए, तो मॉल देखना, फिल्म देखना, ये सब शुरुआत हुई। मतलब मुझे तो याद नहीं मैंने पटना में कभी फिल्म देखी होगी, मैं दिल्ली आई, मेरी नौकरी लगी तब मैं पहली फिल्म देख रही थी सिनेमा हॉल में बैठकर, तो वो सब चीज़ें कभी दोस्तों के साथ की है? आज तक मैं भी नहीं गई हूँ दिल्ली के सिनेमा हॉल में, हाँ, पूरा नाम भी नहीं मालूम क्या बोलते हैं, आज तक नहीं गए हैं हम लोग। नहीं, हम लोग एक बार बहुत छोटे थे तो पापा लेके गए थे हनी के बर्थडे में, मुझे एक ही बार नहीं हुआ था, तब सनी भी नहीं था, ये बहुत छोटा था। तो बच्चे कभी बोलते नहीं है कि आज फिल्म देखने चलें कभी? क्योंकि हमारे मुंह से जब सुनेगी तभी तो वो चीज़ बच्चे को आएगा, तो हमारा ये सब चीज़ में बाहर घूमना, ये करना, वो करना, कोई इंटरेस्ट, फोकस्ड रहें अपने शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा। बस वो टाइम को हमने मिस करा, हमने बहुत टाइम को ख़राब किया था, तो हमको स्ट्रगल करना पड़ा, तो हमने कहा कि टाइम को एकदम ब्लॉक कर दो, टाइम मेहनत करो, बाद में सब कुछ अपने आप खुलेगा, तो अब खुलना शुरू हो गया। तो ये क्या होता है ना कि जब हम नहीं भी चाहते हैं तो हमारे दोस्त जो होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं कि मैथिली यार चलो, मतलब तुम कभी नहीं हाँ कहती हो, पार्टी करते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, कहीं दोस्त लोग मिलके किसी ट्रिप पे चलते हैं, ऐसा कभी होता है? प्रेशर झेलती हैं ये दोस्तों की तरफ से? मेरे कोई दोस्त ऐसे हैं ही नहीं जिनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो। अच्छा। तो मैं सोशल मीडिया पे वैसे बहुत सक्रिय हूँ, हाँ। लेकिन पर्सनली कभी किसी के साथ सक्रिय नहीं रहती हूँ, तो दोस्त लोग चाहे भी तो मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, मतलब कभी कभी असाइनमेंट्स है, ये है, तो कभी कभी मैं एक दिन कॉलेज जाती हूँ, सब काम जितना होता है सब बैठ के कर लेती हूँ, तो उतनी देर में हम लोग की उतनी बातचीत नहीं हो पाती है, तो बस देखेंगे जब हम लोग सब, जब थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं, उतनी खुली आज़ादी पा सकते हैं। मैथिली भले ही अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन जो उन्होंने इन सालों में किया है, इसकी बदौलत वो जर्मनी जा रही हैं अपने माँ बाप को लेकर, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मैथिली अपने जर्मनी टूर के बारे में बताइए। बिल्कुल, जब भी पिकनिक की बात आती है और मैं पापा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं मैं भी जाऊँ, तो पापा बोलते हैं अभी जाके क्या करोगी, अकेले बोर हो जाओगी, हम लोग के साथ चलना, जब ये सब हो जाएगा हम लोग साथ में तुमको घुमा के ले आएंगे, कहाँ जा रहे हैं बताओ, चलो वहाँ पे घुमा के लेते आएंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। हम लोग एक बार हम लोग साथ में हांगकांग गए थे, प्रोग्राम था तो वो हमारे लिए एक पिकनिक हो गया था, तो अब जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ पे इंडो जर्मन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसमें इंडिया के कल्चरल जो फोक सॉन्ग्स हैं ये सब को गाने के लिए, मतलब इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीनों भाई बहनों परफॉर्म करेंगे वहाँ पे, और हम पांचों जा रहे हैं, तो ये फिर से हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूर और पिकनिक की तरह होगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने के लिए और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, बहुत आपको इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जब मैथिली आप अपने दोस्तों से बात करती हैं तो आपने कहा कि आप दोस्तों से ज़्यादा घुली मिली हैं, आपके दोस्त यही हैं, आपका परिवार ही आपका दोस्त है, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी सक्रिय हैं, कई तरह के आपको मैसेज आते होंगे, मेरे जैसे लोग बोलते होंगे कि मैथिली मैं आ रही हूँ इंटरव्यू करने, कुछ और लोग भी होंगे, उनको कैसे हैंडल करती हैं? पापा से शेयर करती हैं, जैसे हमें झेलने को जो मिलता है अदर मैसेजेस में, कोई भी कुछ भी लिख के चला जाता है ना, वो सारी चीज़ें लड़की होने की, मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, तो ये जो कॉन्स हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं या फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, उसको कैसे डील करती हैं मैथिली? खुद से डील करती हैं या पापा बोलते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है? मेरे पास एक लिमिट है, मुझे उसके आगे नहीं जाना है, वो मैं अपने आप से भी कर सकती हूँ, पापा ने मुझे बता दिया कि इससे आगे नहीं करना है कुछ, तो इंस्टाग्राम पे क्या है 100 लिखा होता है टॉप, मैं उतना डिटेल में कभी पढ़ ही नहीं आज तक डीएम, फेसबुक का मैसेंजर तो कभी मेरे फ़ोन में नहीं रहता इंस्टॉल्ड, तो वो सब पापा मेरे हैंडल करते हैं, और हालाँकि जो जिनको मैं जानती हूँ उनके पास हमारा नंबर है,
तो उनसे पापा की ही बात हो जाती है, आपसे मेरी बात हुई वो ट्विटर के माध्यम से हुई, तो ऐसे ही जो जिनसे मुझे मालूम है कि इनको मैं जानती हूँ उनसे बात करना है तो वो मैं पापा से ही पूछती हूँ कि पापा इनका मैसेज आया है इनको क्या कहना है सब, पापा बोलते हैं जो मैं कर देती हूँ, तो अभी कुछ वैसा है ही नहीं। तो आंटी आपको कभी किसी ने ऐसे तारीफ करते हुए फ़ोन की कि आंटी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, मतलब ये वाला भी स्कोप मैं खोलूँगी कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि भाई मैथिली इतना नाम वाम कमा चुकी हैं, तो प्रपोजल्स वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं मैथिली के लिए क्या? अब क्या बताऊँ, ये हमें तो नंबर चेंज करना पड़ा, ये राइजिंग स्टार से जब आई तो इतना मतलब हमारा नंबर पता नहीं मतलब कितने को मालूम चल गया, हमारा पर्सनल नंबर जो उससे पहले 10 साल तक तो किसी को मालूम नहीं था, जो कोई एक कॉल करके हाल समाचार भी पूछता हमको जो भारती कैसी हो, और लेकिन जब ये राइजिंग स्टार से निकली है इतना न कॉल है, इतना मतलब नहाने जाओ खाओ पियो मतलब बाल कंघी करने का मौका नहीं, रिंग बजे मतलब गला ख़राब हो गया था, फ़ोन उठाते फिर इनको बोले जी मेरा नंबर ही चेंज कर दो, इतना टेंशन हमको नहीं लेना जीना है हमको, फिर नंबर चेंज की फिर भी उस नंबर पे भी फ़ोन आ रहा है, तो फिर ऐसे 2-3 बार मैं नंबर चेंज की, फिर अब जा कर के थोड़ा शांति है, और फिर ये इनका एक नंबर है जो दुनिया को मालूम है, हमारा नंबर किसी को नहीं मालूम, तो फिर अंकल ही उन सारी चीज़ों से डील करते हैं सारा, ये है अच्छा, ये प्रभु है, कुछ नहीं है, हम लोग अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, मतलब आपको देख के तो अभी तक तो लोग यही सोचते हैं कि आप स्कूल ही जाती हैं, कोई नहीं गेस कर सकता है कि ये कॉलेज जाती है, कुछ दिनों में ग्रेजुएट हो जाएगी, ये था पहले, अब ये संस्कारी हैं, पढ़ने में तेज हैं, अच्छे हैं, किसी ने कभी तारीफ को मतलब हम बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ चाहे ये बहुत अच्छे हैं, कोई कभी नहीं बोला हमको, लेकिन जब ये राइजिंग स्टार से आई है तो आप बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, आप बहुत अच्छे ऐसे मतलब जो भी होता है बड़ा, फिर आगे भी ऐसे रखना मतलब कुछ और अपने तरफ से बताना और ऐसे करना। तो तब तक ऐसा था ना आंटी कि मैथिली केवल आपकी नज़रों में थी, अब तो दुनिया की नज़रों में है, तो दुनिया की नज़रें जब मैथिली की तरफ हैं तो ऑब्वियसली सब लोग देख के यही कहेंगे कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी प्यारी है, इतना अच्छा गाती है, तो फिर ऐसे में टेंशन भी होता है, फिर ये होता है जो जैसे मैं करती आई हूँ वैसे ही करना है, और फिर लोगों का सुनो फिर वैसे करो तो फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए फिर टेंशन होने लगा था, फिर नंबर में चेंज की। मैं जनरली देखती हूँ कि मिथिला के जो लोग होते हैं वो आपस में मैथिली में ही बात करते हैं, तो आप लोग क्या मैथिली में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं? एक पहले तो मैथिली में ही हम लोग बात करते थे, फिर ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम होने लगा, जो जैसे 4 बच्चे हैं वहाँ पर, ये हमारे भी बच्चे हैं, तो ये लोग तो मैथिली में बोलते हैं बहुत आदर के साथ सामने वाले को, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा ना वो समझ पा रहे हैं, तो फिर इन लोगों के साथ हम तीनों आपस में को मैथिली में बात करते हैं, फिर हम लोग हिंदी में घर में बात करने लगे तो फिर ये लोग हिंदी भी बहुत अच्छे से बात करते हैं अब मैथिली भी, जब कोई हो नहीं ना आसपास तो हम तीनों एक जगह बैठ करके आपस में मैथिली में खूब बात करते हैं। अच्छा, तो मैं जब किसी को समझ नहीं आता वो अलग बात। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ में, हाँ दिल्ली वाले नहीं समझते होंगे घर में, ऐसा मैथिली बोल देते हैं ना, किसी को समझ नहीं आता, गांव घर के होइ छे से ठेठ में। तो मतलब जब मैं आ रही थी तो दरभंगा के मेरे कुछ दोस्त हैं वो कह रहे थे कि कुछ कुछ नाम मैं बताऊंगी वो मैथिली से पूछना उसे पता है या नहीं, तिलकोर क्या कहते हैं, तरुआ क्या कहते हैं, तिलकोर का तरुआ मेरा बहुत फेवरेट है, कभी भी गांव जाते तो खाने का मौका मिलता है, यहाँ पे लत्ती कहीं घूमने जाते हैं तो लत्ती तोड़ के लाते हैं जो हमारे पोती को बहुत पसंद है, और यहाँ दिल्ली में तो तिरकोर का वो पत्ता नहीं मिलता है जनरली, तो पालक के ही पत्ते का बना लेते हैं कुछ भी, तो वो अलग ही बात होगी फिर। अच्छा, मैथिली अभी चुनाव तो नहीं है लेकिन चुनाव के वक्त आपका वो मिथिला में की नैच है काफ़ी वायरल हुआ, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की, उसके बाद टिप्पणी आपकी आई नहीं कि उन आलोचनाओं पे आपका क्या स्टैंड है, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को मैथिली जो आपकी आलोचना किए इस बात को लेकर कि मिथिला में की नैच है, जो आपने कहा बिहार में काबा करके आया उसके बाद फिर नेहा राठौर ने गाया फिर आपकी बात आई, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? बिहार में काबा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपना स्टैंड लिया और मुझे जवाब देना था कि नहीं बिहार, क्योंकि मैं उस समय इतना बिहार आना जाना हर ज़िले में हम लोग का प्रोग्राम था और मुझे जाके बहुत आनंद आ रहा था, वहाँ पर इतना सब कुछ और सुकून है, वहाँ के लोग भी इतने अच्छे से रह रहे थे,
तो जब मैंने ये देखा कि बिहार में कब, और उसमें इतना सारा गलती पॉइंट आउट, तो मैंने ये मेरा था कि बिहार ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, बिहार में बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग कहीं से भी जाते हैं तो बिहार में रुक सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो इसीलिए ये मेरा स्टैंड था। अब फिर लोगों का आलोचना और ये अप्रिसिएशन दोनों ही आ रहा था, तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ा नया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डीपली आलोचनाओं को पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मैंने जो कहा मेरे लिए मैंने बहुत सही कहा, और उस पर मैं खड़ी रही, अभी भी खड़ी हूँ। तो उस वक्त जब आपने ये बातें कहीं, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये ऑफर आया कि मैथिली आप हमारे लिए प्रचार करें, या मैथिली आप हमारे लिए प्रचार करें, इस तरीके से कभी आया आपके पास ऑफर? वो तो बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल के जो मेन लीडर्स हैं ना, काफ़ी सारे तो मेरे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, संबंध है ना हमारे, जैसे बहुत सारे मैं किन किन घरेलू संबंध है, तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं कि वो पॉलिटिकल व्यू से हम किन्हीं नेता को नहीं देखते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, वो हमारे भैया हैं, चाचा हैं, सब ऐसे। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचती हैं मैथिली, क्या कहेंगी? क्योंकि वो जब से हैं, ये बहुत मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से रेडियो पर सुन रही हूँ कि मुख्यमंत्री, उस समय में बिहार में ही थी, हम लोग सनी भी नहीं था उस समय, तो ये मालूम है कि उससे पहले क्योंकि मैं कार्यक्रम के लिए मैं अन्य अन्य जिलाओं में जाती रहती हूँ, तो हमारे जो साथ इंस्ट्रूमेंट वाले भी होते हैं, तो उनसे भी ऐसी बातचीत होती है हमारी, तो बोलते हैं कि अभी कितना आसानी से हम लोग यहाँ से वहाँ जा पा रहे हैं, लेकिन एक समय था जब हम इन अपने समय के कलाकारों का नाम कि एक समय हम उनके साथ जाते थे, हम रात में बिल्कुल सफ़र नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम लोग फ्रीली जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, ये समय मतलब ये दुर्लभ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी इस समय में हम लोग फ्रीली, हाँ, बदला है बिहार, और एक आर्टिस्ट के लिए, ऊपर से फीमेल आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इजी हो गया है कि यहाँ से वहाँ जाके परफॉर्म करना। चलिए ऋषभ हैं, अयाची हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ऋषभ, गेमिंग भी करते हैं आप गाने के अलावा, मतलब तबला के अलावा? हाँ, जी, मैं तबला के अलावा ब्लॉगिंग करता हूँ, गेमिंग करता हूँ, मतलब अपना काम मैं खुद ही करता हूँ, एडिटिंग वगैरह सब मैं खुद ही करता हूँ। और अयाची को क्या पसंद है डॉग घर लाने के अलावा, मतलब ये जिद तो आपकी काफ़ी समय से है, कब आएगा? क्योंकि घर में भगवान की स्थापना हुई है, तो मेरे ख्याल से डॉग को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप इग्नोर, आपकी जो डिमांड है वो इग्नोर ही हो रही है लगातार, ऐसा लगता है? लगता है। पास टाइम में आप लोग क्या करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग तो पूरे दिन चलते रहती है, उसके अलावा क्या करते हैं? म्यूजिक भी चलता ही रहता है बीच बीच में, और बीच बीच में कैमरा उठा के ब्लॉग बना लिया, और एडिटिंग का काम तो रात ही में होता है, उसका तो अलग सीन है, और फिर जब ऐसा हो गया कि अब कुछ माइंड फ्रेश करना है, तो मैं फिर गेम लेके बैठ जाता हूँ, गेम खेलता हूँ, और फिर बस दिन खत्म। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि मतलब एक टाइम आएगा जब इन सबसे बोर हो जाएंगे, मतलब फॉलोअर्स, लाइक्स, गाना, मतलब कभी हेक्टिक लगता है कि नहीं यार बहुत शांत ज़िंदगी चाहिए, अब ये सब नहीं करना, ऐसा होता है कभी? एक्चुअली इस सबसे तो हम ऑलरेडी वो हो चुके हैं कि फॉलोअर, लाइक, ये सब चीज़ तो अभी वैसे भी नहीं मायने रखता है उतना, लेकिन लोग हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए मुझे अच्छे अच्छे गीत सुनाने हैं, तो मैं नंबर्स नहीं देखती हूँ, मैं वो देखती हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको हम और अच्छा सुना पाएँ, तो इसके लिए हम लोग लगातार रहते हैं कि हम लोग मैथिली में, कभी भोजपुरी में, कभी पंजाबी में, तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में हम लोग ट्रेडिशनल फोक सुनाते हैं यूट्यूब पर। ऋषभ का एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया है कि मैं मैथिली से अच्छा गाता हूँ, घमंड नहीं। अरे नहीं, नहीं। वो मैंने क्लिकबेट किया था, सॉरी, माफ करिए हमें। ऋषभ, आप अब आपको इसकी सज़ा ये मिलेगी कि आपको दो लाइन सुनाना पड़ेगा, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि वाकई ऋषभ की आवाज़ ऐसी है या ऋषभ ऐसी फर्जी में दावे कर रहे हैं। वो फर्जी दावा था, मैं मान रहा हूँ। मैं मानता हूँ, मानते हैं आप जी। चलिए, तो अयाची सुना देंगे, हमें दो लाइन सुनाएंगे, किसी भी, आपको जो भी पसंद हो। ठीक, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं कब माखन खायो, मैया मोरी, मैं कब माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे,
मैं मधुबन मोर, ये मैंने गाया नहीं था पहले। अच्छा चलिए, आप आपकी मैंने कलाकारी देख ली, आप अच्छा गाते हैं। चलिए मैथिली मैथिली से अब मैं पूरे घर के बारे में पूछूंगी, क्योंकि जो घर आज जिस घर में मैथिली आई है उसकी काफ़ी चर्चा भी है, लोग जानना चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर कैसे रहती हैं, कैसा इनका घर है, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैथिली आप बताइए धीरे धीरे। शुरुआत ये एंट्रेंस जहाँ से हम आते हैं, उसके बाद वैसे लिविंग रूम ऊपर ऊपर क्या है ये, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ पे मछली और मछली को बहुत शुभ माना जाता है, तो हम ये मेरा आइडिया था कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकले तो मछली को देखते हुए बाहर निकले, ताकि हमारे सारे काम अच्छे से हो जाए संपन्न। तो हमने एग्जैक्ट गेट के ऊपर ताकि निकलते हुए सब देखे, तो यहाँ पे मछली है और ये ऋषभ का गेमिंग रूम है, आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये हमें इंस्टाग्राम से दिया था गेम वाले लाइन, इसमें इसे बहुत सजा के रखा है। तो यहीं पे ऋषभ स्ट्रीमिंग करता है, एडिटिंग करता है और सब काम करता है। मैं ये लाइन ही आप माइक पे बोल देती हूँ। तो इसी ऑफिस में हम लोग एडिटिंग करते हैं, ऋषभ स्ट्रीमिंग करता है। तो हम जो मैथिली हैं ये गाना भी गाती हैं और एडिटिंग भी करती हैं अपने वीडियोस की। हाँ, वो मैं खुद से करती हूँ, मल्टीटास्कर। चलिए उसके बाद ये अपना लिविंग एरिया, यहीं पे हम लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। कभी टीवी पे अपने खुद के वीडियोस देख रहे होते हैं कि यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये सभी चीज़ें, और बैठ के खाते पीते हैं यहीं पर। अच्छा, और ये मैथिली ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये कब मिला? ये मुझे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में मिला था, राजीव गांधी अवार्ड। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस था, क्योंकि मेरे पास पहला बड़ा अवार्ड ये था। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैथिली की बहुत बड़ी जो ट्रॉफी है, ये इसके पीछे की कहानी है। हिंदी विश्व परिषद ने मुझे दिया था, ये उधर हमने परफॉर्म किया था और उस दिन काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था, तो बड़ा सा ट्रॉफी मिला था। और वहाँ पे गवर्नर जो है गोवा की, अभी उनका निधन हो गया, मृदुला जी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। चलिए, जब ये ट्रॉफी वगैरह मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इससे और इंस्पायर होकर के और अच्छा करने का मौका, मतलब मन करता है और अच्छा करो। और ये सबसे खूबसूरत स्पेस है, से मिथिला पेंटिंग कहते हैं, और इसमें मैथिली का भी कंट्रीब्यूशन है, ये जानकर आप हैरान होंगे। मैथिली ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि इसमें इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना ये, मतलब हमारे, मतलब मिथिला में ये कितना ज़्यादा प्रचलित है और इसकी क्या खूबसूरती है। जी, स्पेशली बिहार से, पटना से आर्टिस्ट आए थे ये बनाने के लिए, और उन्होंने इतना सुंदर बनाया और मुझे मौका मिला। मैं ज़बरदस्ती ब्रश लेकर के उनको बोलती थी कि हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आप बस ऊपर ऊपर बना दीजिए, मैं अंदर अंदर भरती हूँ। तो इसी बहाने मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर रहती थी, पूरे टाइम जब तक बना। तो बहुत, मतलब मेरा फेवरेट है यहाँ पे खड़े, फेवरेट प्लेस है। तो व्लॉगिंग होती है तो ये डिसाइड करते हैं क्या कि यहाँ पे ज़्यादा दिखाना है, ये वाला एरिया ज़्यादा नहीं दिखाना है, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते। बस ये है कि मम्मी हर घर के कोने को इतना सुंदर बना के रखती है, तो हमको सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन से कोने में रहें। देखिए आप किचन भी देख सकते हैं, मम्मी दिन भर इतना, ये देखिए यहाँ भी ऋषभ की ब्लॉगिंग चलती है। ऋषभ अगर आए यहाँ पे तो ये कभी जूस बनाते हुए दिखते हैं, कभी आंटी को परेशान करते हैं कि आज क्या बन रहा है खाने में। वो मैंगो शेक सब जो ब्लॉग्स में दिखता है वो मैं यहीं पे बनाता हूँ। यहीं पे खाना वगैरह भी बनता है। हाँ, और ये सबसे मैं चाय ज्यादा बनाता हूँ घर में। अच्छा, सबसे ज्यादा चाय आप पीते हैं? जी नहीं, पीता नहीं, मैं बनाता हूँ। अच्छा, आप लोग चाय पीते हैं? नहीं, मम्मी पीती है तो मम्मी के लिए मैं बनाता हूँ। ओके, चलिए, मम्मी के लिए। हमारे घर में सिर्फ मम्मी ही पीती है चाय, पापा भी नहीं। अच्छा, पापा जब कोई आते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए पीते हैं। ओके ओके ओके। और बाकी अवार्ड की बात करें तो यहाँ, हाँ, ये वाला स्पेस भी जो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मेहनती बच्चे हैं ये तीनों। यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे मुझे ये सब बिहार के अवार्ड बिहार में ही मिले हैं। श्री शरद यादव जी ने दिया, उसके बाद पीछे बहुत सारे, क्योंकि अभी मैं सेटल ही कर रही हूँ सब चीज़ें, तो भगवान जी को आगे रखे हैं, पीछे बहुत सारे अवार्ड हैं। इसमें आपका कोई ऐसा अवार्ड जो लगता है कि नहीं ये बहुत दिल के करीब है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और ये मिला?
काफ़ी सारे अवार्ड्स वैसे सब बहुत बढ़िया। ये इस बात का गवाही है कि हम लोग हर 1000 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, क्योंकि इसमें इतना अवार्ड हमारे ऑफिस में भरा हुआ है, 1000 से ज़्यादा शो कर चुके हैं हम लोग। और अवार्ड्स वहीं पे मिलते हैं जो सरकारी शोज होते हैं, तो गवर्नमेंट के हमने इतने सारे शोज किए हुए हैं, जो जैसे यूपी सरकार, मध्य प्रदेश, हम लोग ऑलरेडी बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। चलिए अब उस कमरे में चलते हैं जहाँ इन लोगों का अच्छा मंदिर भी देख लेते हैं। हालांकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता शायद उधर कैमरा जा पाए, लेकिन वो एरिया जो है आप रोज पूजा करती हैं मैथिली? हाँ, सुबह शाम पूजा होता है, सुबह शाम को उसका ज़्यादा टाइम यहीं पर बीतता है, पूजा करते हैं। हाँ, भगवान को श्रृंगार करती है, नहलाती है। एकादशी के दिन होता है श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते हैं। अच्छा। और महीने में 2 दिन उनको नहलाया जाता है, वैसे पूजा तो सुबह शाम होती है। और ये सारा गार्डनिंग जितना आप देख रहे हैं सब अयाची ने किया है। ये स्पेशली वीडियोस देखता है, सीखता रहता है कि इन पे क्या डालें ताकि ये और अच्छे से फले फूले। तो गार्डनिंग का भी इंटरेस्ट है अयाची? बहुत ज़्यादा, जितना मिनिएचर से कुत्ता बिल्ली ये प्लांट सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और डिफरेंट की याद आती है, बता दें कि जो इनका पुराना घर है वहाँ एक डॉगी है जो बाहर घूमते, स्ट्रीट डॉग है, उसके भी हजारों फॉलोअर इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है। मैंने ना सोचा कि डिफरेंट का भी आईडी बनाया जाए, देखते हैं इसको कितने लोग जानते हैं अभी। तो जिसे दिन बनाया 1000-2000 एकदम से हो गया। तो लोग ऐसे डिमांड भी करते हैं क्या कि अयाची डिफरेंट के साथ वीडियो बनाओ? बहुत वो बोलते हैं मेरे को डिफरेंट के साथ फोटो खिंचाना है। मैं बोलता हूँ अभी मेरे को एड्रेस तो नहीं बताना अपना, जिससे नहीं मिल जाएगा फोटो खिंचा लीजिएगा। अच्छा। और अयाची के जोक्स और शायरी पर भी आएंगे अयाची, 1-2 जोक्स आपको तैयार करने होंगे हमारे बिहार तक के दर्शकों के लिए भी। ये मेरा म्यूजिक रूम है। चलिए, ये वाला जो है कमरा, ये सबसे मतलब कहें कि यहीं पर मैथिली अपना रियाज भी करती होंगी, रिकॉर्डिंग सबसे मेन पार्ट है घर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ बिताते हैं। तो जब घर ले रहे थे अंकल, तो ये सारी जो यहाँ मिथिला पेंटिंग रहेगा, ये पर्दा होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता था, मतलब बच्चे या? मतलब राय तो सब कर लेते थे, अंतिम मोहर मेरी होती थी। अच्छा। ठीक है। नहीं, 90% सब मैंने डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे मुझे स्लैट वॉल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पापा बिल पास करते थे। अच्छा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे म्यूजिक में बिल्कुल भी, मैं जीरो हूँ म्यूजिक में, तो आप मुझे बताइए कि किस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ये तो हारमोनियम है, ये तबला है जी। इधर आ जाइए आप। मैथिली हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ये है हमारे पास मृदंग है, ताकि हाँ खोल, कीबोर्ड, इधर बहुत सारे थे, अभी तो बहुत कम हो गए क्योंकि हम लोगों ने स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया है सब। ये हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी निशानी है ये। अच्छा, यूट्यूब की तरफ से जो ये बटन आए हैं, ये मतलब 1 मिलियन होता है तो 1 बटन मिलता है। अभी हमारे टोटल 10 मिलियन लोग हमारे यूट्यूब पर हमको फॉलो कर रहे हैं। अंकल का भी खुद का चैनल है जी, अंकल भी अपने यूट्यूब के वीडियोस बना कर डालते हैं जी। ये कौन डिसाइड करता है, मतलब आपके चैनल का आइडिया बच्चों का था या आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं भी बनाऊं? हम लोग आइडिया खोजते रहते हैं, कुछ आइडिया जब भी हमको कुछ नया आइडिया मिलता है तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये मेन जगह थी जहां मैथिली अपना गाना गाती हैं, रियाज करती हैं, और जो कुछ भी हैं आज इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की वजह से और अपने पिता की वजह से। माँ अभी शायद किचन में है, जो माँ अक्सर रहती हैं किचन में ही, माओं की ज़िंदगी किचन में निकल जाती है बच्चों के पीछे। तो जाते जाते कुछ इन्हीं तीनों के आसपास मैं ख़त्म करूँगी। अच्छा, मैथिली का रूम छूट गया, चलिए मैथिली का रूम भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये मैथिली का रूम है। ओके, सुंदर लगता है अंधेरे में। तो इधर सब जो फर्नीचर वगैरह, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने का सब चीज़ बहुत मैं फैसिनेटिंग लगता है, तो सब वही लकड़ी के सब चीज़ें, ये मिथिला पेंटिंग मुझे मिला था, ये भी एक प्रोग्राम में मिला और था। ये आपके मम्मी पापा हैं जी, पुरानी तस्वीर है। तो कुल मिलाकर जो है ये मैथिली का कमरा हुआ, और उस कमरे की हम बात कर रहे थे, उसी कमरे में मैं चाहूँगी कि वहीं पर क्लोजिंग करें, क्योंकि वो कमरा जो है वो मुख्य आकर्षण है पूरे घर का, और उसी कमरे में हमने भी काफ़ी देर तक अभी मैथिली के गाने सुने हैं और आप भी सुनेंगे।
अलग अलग तरीके के गाने आपके लिए मैथिली लेकर आई हैं। अयाची, आप अपने जोक्स और जिसके लिए आप फेमस है, लोग आपको ऐसे ही लेते हैं लाइटली, क्या करेंगे? जोक्स सोचने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा चाहिए होता है। ओके। तब मेरे को ना मन में एकदम ख्याल आते हैं कि मेरे को क्या सुनाना चाहिए। वो तो अभी बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ आपको। ओके ओके, चलिए आप 2 मिनट का वक्त लीजिए। ऋषभ की ब्लॉगिंग शुरू है। ऋषभ, ये बताइए कि जब मैथिली फेमस हो चुकी थी तब आप मतलब इनके पीछे थे, ठीक है जी? अब वापस आपको भी उतनी पब्लिसिटी मिलती है, मतलब लोग तो आपके ब्लॉग्स ज़्यादा इंतज़ार करते हैं क्योंकि मैथिली ज़्यादा रेगुलर नहीं है, आप बहुत रेगुलर हैं। जी जी जी, मैं रेगुलर रहता हूँ, रोज़ डालता हूँ मैं सुबह सुबह ब्लॉग। तो कैसा लगता है, लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं? हाँ, मैसेज आके मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि लोग मेरे को रोज़ देखते हैं और इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। यहाँ भी हमारे अपार्टमेंट में काफ़ी लोग ब्लॉग्स देखते हैं हमारे, जब भी मैं उतरता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी आवाज़ जैसा सुनते हैं फ़ोन में, आप असली में वैसे बोलते हो। 21 साल के सफ़र में सबसे यादगार साल कौन सा रहा? मेरा ये साल, क्योंकि ये साल हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं और जो जो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में ये करूँगी, मैं अपने घर में वो करूँगी, अपने घर को ऐसे सजाऊंगी, हम लोग एक स्टूडियो बनाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी पूरी होंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फिल्म में और टीवी में देखा था कि अपना घर होता है, अपना रूम होता है, वरना हम लोग पहले ये इसका भी आधे रूम में हम 5 लोग रह रहे होते थे। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मैं जी रही हूँ। चलिए, जो सपना मैथिली ने देखा था, अब अयाची आएंगे शायद, अब जोक्स अभी तक इनके दिमाग में नहीं आया, कोई बात नहीं अयाची, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार तक देखते रहे और आपके चैनल्स तो देखते ही हैं लोग, हमारी थोड़ी पब्लिसिटी कर दीजिए। अच्छा, तो आपने आज तक तो पूरा टीवी चैनल देखते हैं, ठीक है? आप बस, आपको बस यूट्यूब पर देखना है, बिहार तक सर्च करना है और आपको हम मिल जाएंगे वहाँ पर, आप हमें भी देखते रहिए और जो बिहार में कुछ भी चल रहा है वो तो आप देख ही सकेंगे, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर इसी घर पे आते हैं कि यही जो घर है, यहीं पे सरस्वती, यहीं से लक्ष्मी, सब कुछ यहीं से निकलती हैं और यहीं पर जो है ये तीनों बच्चे मिलकर अपना करियर बना रहे हैं, आगे और भी बढ़ेंगे। ऐसी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार तक शुरू होने से पहले हम लोग गए थे और हमने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश तक, MP तक, पंजाब तक, ये सब चीज़ें बिहार तक क्यों नहीं है, और अगले विजिट में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब बिहार तक तो आ गया था और हमने पहला इंटरव्यू किया था। बिहार तक का परिवार जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, तो अब मैथिली की दुआ से ही और परिवार जो है वो बढ़ता रहेगा और मैथिली को तो आप लोगों का सहयोग है ही, मैथिली को यूं ही प्यार देते रहिए। हम दोबारा फिर आएंगे, मैथिली से बातचीत करेंगे, जर्मनी की यात्रा इनकी कैसी रहती है इस पर भी बात करेंगे और कुल मिलाकर ये तीनों जो भाई बहन हैं ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यही हमारी दुआ है। बिहार तक इसी तरह देखते रहिए, बिहार तक को अपना प्यार देते रहिए और बिहार की खबरों के लिए रोज़ाना बिहार तक देखिए और बिहार तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। शुक्रिया।